अब के तो सड़क से अपने बेटे को खींच के ला रही थी, अब के तो तेरा बेटा बन गया मैं, और अगली बार पकड़ेगी तो तेरा घर वाला बन जाऊंगा। पूरा गांव हंसी उड़ाएगा कि देखो आदमी को खींच के ले जा रहे हैं। उसे रात दिन यही सोचने लगी कि मैंने पकड़ा तो कृष्ण था, बेटा कैसे हो गया, कहीं मेरा बेटा ही तो कृष्ण नहीं है। यानी रात दिन वो भगवान का ही चिंतन करने लगी और भगवान से ही प्रेम करने लगी। क्या कहने लगी? आहा, बंसी की धुन बड़ी प्यारी लगे मेरे प्यारे कन्हैया, बंसी धुन बड़ी प्यारी लगे मेरे प्यारे कन्हैया, बंसी की धुन बड़ी प्यारी लगे मेरे प्यारे कन्हैया, बंसी की धुन बड़ी प्यारी लगे मेरे प्यारे कन्हैया। बाल बाल संग गैया चरावे, बालन के संग गैया चरावे, बछड़ों के पीछे भागो फिरे मतवारों कन्हैया, बछड़ों के पीछे भागो फिरे मतवारों फिरे मतवारों कन्हैया, बछड़ों के पीछे भागो फिरे मतवारों कन्हैया। ताली बजाइए, कारे कारे कन्हैया, प्यारे कन्हैया, कारे कारे कन्हैया, ओ प्यारे कन्हैया वाह वाह रे कन्हैया, ओ प्यारे कन्हैया वाह वाह रे कन्हैया। मुरली की बंसी की मुरली की धुन बड़ी प्यारी लगे मेरे प्यारे कन्हैया, मुरली की धुन बड़ी प्यारी लगे मेरे तीर चुरायो लूट दही माखन खायो, लूट दही माखन खायो, सबको पिन को तीर चुरायो, पिन को तीर चुरायो, मान बढ़ायो ज्ञान बढ़ायो, बढ़ायो ज्ञान बढ़ायो, सारे जग से न्यारो लगे मतवारो कन्हैया, प्यारे कन्हैया हमारे कन्हैया, ओ प्यारे कन्हैया हमारे प्यारे कन्हैया, प्यारे कन्हैया हमारे प्यारे कन्हैया, बंसी की मुरली की धुन बड़ी प्यारी लगे प्यारे कन्हैया, मुरली की धुन हरिदासी जू में गुणगान वार न पायो, दया को पार न पायो, पूजा को पार न पायो, दया को पार न पायो, प्यारे प्यारे कन्हैया।
थोड़ा सा विश्राम लें और कुछ ये संचालक महोदय कुछ कहेंगे अपनी वाणी से, शोभायमान वाणी का आप श्रवण करें। भक्ति देवो भव है उसका अनुसरण करते हुए हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के वाणी से हम सब स्वागत करेंगे। सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, श्री राधा कृष्ण प्रचार मंडली की तरफ से, सभी ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, नमन, हार्दिक स्वागत। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। देखिए भगवान ने ज्यादा काम नहीं किया, केवल सफाई की है संसार। चर कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने। देखिए भगवान ने सबसे पहले मारा पूतना को। जो अपवित्र होता है भगवान को अच्छा नहीं लगता। जब भी भगवान का भजन करो तो पवित्र होकर के करो। शास्त्र में लिखा है देवम भूत्वा देवम यजेत। देवताओं की पूजा देवता बन के ही करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई कोई माँ तो जवाही ले रही है। ऐसा हुआ जैसे आपके यहां कथा चल रही है ना, ऐसे ही कहीं कथा चल रही थी। ये जेठ में दशहरा नहीं आता, ज्येष्ठ महीना में उस दिन दो समय कथा होती थी, दिन में भी और शाम को। व्यास जी कथा पढ़ते तो एक बड़े सज्जन, जैसे जवाही ले रहे हो ना, ऐसे ही एक सज्जन बड़े चतुर थे, कथा सुनने पहुंचे। पंडित जी की वाणी से निकल गया। व्यास जी ने कहा भाई आज का दिन बड़ा अच्छा है, आज दशहरा है और ऐसा विधान है, शास्त्र में लिखा है। जी होकर के आ रहा था जंगल से, तब उसे झाड़ियों में एक मरा हुआ नीलकंठ मिला। बोले नीलकंठ तो ये रहा। पंडित जी ने ये नहीं बताया कि मरे हुए के दर्शन से सात पीढ़ी स्वर्ग जाती हैं कि जिंदे के जाती हैं, ये तो कुछ नहीं बताया। अब उसने क्या किया कि उस मरे हुए नीलकंठ को रुमाल में रख करके जेब में रख लिया, बीच में खड़ा हो गया। बोले पंडित जी सुनो, अच्छा ब्राह्मण लोग थोड़े कमजोर होते हैं, नजर गई उसकी जेब पे ज्यादा नजर गई, भारी थी। पंडित जी बोले भाई रुक जाना ही अच्छा है, जेब भारी लग रही है। पंडित जी बोले हाँ बताओ। बोले पंडित जी एक बात बताओ, तुमने सुबह कही थी कि आज दशहरा है। बोले हाँ है। बोले नीलकंठ के दर्शन के दर्शन करता है उसकी सात पीढ़ी स्वर्ग जाती हैं और जो। बोले तूने ये क्या किया, बड़ा झटपटाया। उसने कहा बड़ी गड़बड़ हो गई, ये तो नरक में व्यवस्था कर ली सात पीढ़ी की, चलो हमारी गलती रही लेकिन सात पीढ़ी ने क्या बिगाड़ा। पंडित जी से पूछा पंडित जी एक बार देख लो पत्रा में आज दशहरा है कि नहीं।
पंडित जी बोले जी का मन खिन्न हो जाता है तो फिर वो समय कुछ नहीं लगता है। बोले देख लो पंडित जी कब तक है ये दशहरा। पंडित जी बोले रात के 10 बजे तक। बोले अब भी चल रहा है दशहरा। पंडित जी बोले हाँ। तो बोले रुक जाओ जेब में से नीलकंठ निकाला। बोले देखो। बोले जब दशहरा अब भी चल रहा है तो ये मरा हुआ नीलकंठ तुम देख लो। सत्यानाश कर दिया मेरे घर का। अच्छा पंडित जी सज्जन थे। पंडित जी ने कहा भाई ये नीलकंठ तेने हमें क्यों दिखा दिया। बोले बेवकूफ समझ रहे हो क्या, तुम्हारी तरह पागल थोड़ी हूं मैं, अकेला नरक क्यों जाऊं, ये सब पूरी प्रजा को लेके जाऊंगा नरक में, तुम्हें भी ले जाऊंगा और तुम 7 बार देखो 7 × 7 = 49 तुम 7 बार देखो। पंडित जी ने कहा भैया तूने ये क्या किया ये क्या कर रहा है। बोले मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। जब तुम्हें लेके जाऊंगा ना भीड़ को वहां नरक में तो मुझसे कोई तो पूछेगा इतनी भीड़ लाया कौन, तब मैं कहूंगा मैं लाया। मैं कहूंगा मैं इतनी भीड़ नरक में लाया हूं एक स्वर्ग में कमरा दे दो। कथा नहीं सुन रही बात। बोले बात तेरी बड़ी अच्छी लगती है तो कथा सुनो बातें क्यों सुन रहे। भगवान की लीला मैं तुम्हें सुना रहा हूं, भगवान की लीलाओं का चिंतन करो। भगवान ने ये किया भगवान ने वो किया। जब भगवान की लीलाओं का चिंतन करोगे बार बार वाणी से मनन करोगे। कभी तो दीन दयाल के तान बढ़ेगी या। कभी तो वो ठाकुर जी तुम्हारी आवाज को सुनेगा। कब तक दया नहीं करेगा कब तक कृपा नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर। तुम अपना काम करते रहो कभी तो बाध्य होंगे भगवान जी। अगर नहीं होंगे तो भगवान निष्ठुर कहलाए जाएंगे, उन्हें कोई दयालु कृपालु नहीं कहेगा। इसलिए ध्यान से सुनो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ध्यान पूर्वक रति पूर्वक सुनो भगवान की कैसी लीलाएं हैं। इसके बाद भगवान ने गोवर्धन लीला की है। देखिए गोवर्धन लीला तुमने देखी होगी सुनी होगी, धारण नहीं है। मैं गोवर्धन के पूर्व जन्म का परिचय तुम्हें कराऊंगा। देखिए भगवान के मित्र हैं गोवर्धन, नाम है श्री दामा, लेकिन लीला के श्री दामा नहीं है, वैकुंठ के श्री दामा है। एक बार राधा कृष्ण दोनों बतरा रहे थे आपस में बात, बस इसी बात पर राधा जी ने इसको शाप दे दिया। बोले मूर्ख जब दो बात कर रहे हो बीच में नहीं बोलना चाहिए, जा पत्थर हो जा। जैसे ही राधा जी ने श्री दामा को शाप दिया पत्थर होने का, ये रोने लगा। बोले राधा तू जानती है कि तुझसे बिछुड़ने पर, कृष्ण से बिछुड़ने पर मुझे कितना कष्ट होगा, जैसे किसी ने मेरे प्राण क्यों ना मांग लिए, लेकिन मैं तुझसे दूर और कृष्ण से दूर रह नहीं सकता। ये रोने लगा और रोते रोते इसे ऐसा आवेश आया, बोले तू मुझे बिछुड़ने की कह रही है, जा तू भी भगवान से बिछुड़ेगी। इसने भी राधा जी को बिछुड़ने का शाप दे दिया। तो राधा जी बिछुड़ी रही है भगवान से देखो। और ये बेचारा द्रोणाचल गिरी पर्वत की पत्नी के गर्भ से पैदा हो गया। ये द्रोणाचल का पुत्र बना। जैसे ही पैदा हुआ बड़ा सुंदर स्वरूप इसका। नामकरण करने के लिए पुलस्त नाम के ऋषि आए। पुलस्त वर्धन। अब दक्षिणा का नंबर आया। पुलस्त जी बोले एक काम करो द्रोणाचल जी, इस बेटे को मुझे ही दे दो गोवर्धन को। बोले क्यों। बोले काशी में स्थापित करूंगा, काशी में कोई पर्वत नहीं है। द्रोणाचल जी बोले अगर मैंने मना कर दिया तो ये शाप दे देगा महात्मा। बोले जी मेरे बेटे से ही पूछ लो। तब पुलस्त जी ने गोवर्धन से ही पूछा। बोले भैया गोवर्धन मैंने नामकरण में तुम्हें मांग लिया है चलोगे। गोवर्धन डर गए महात्मा, शर्त तय हो गई। पुलस्त जी ने अपने हाथ पर गोवर्धन को रख लिया।
बड़े सुंदर पर्वत हैं। जैसे ही हाथ पर आए और लेकर के चलने लगे काशी की तरफ, उत्तर दिशा से, उत्तर दिशा से ले जा रहे थे पूर्व दिशा की तरफ, तभी रास्ते में वृंदावन पड़ा और इस गोवर्धन को भगवान की याद आई। ओहो सवरिया जा रे, आजा रे सवरिया, हमें प्रीति की रीति सिखा दीजिए, हमें प्रीति की रीति सिखा दीजिए, निज नामों का मंत्र बता दीजिए, निज नाम युगल छवि दिखला जा रे, आ जा रे सवरिया, आ जा रे युगल छवि दिखला भगवान इसको ले जाते गोवर्धन को अपने साथ में, छोड़ गए, बोले जा तो दुनिया का कल्याण कर, जो तेरी परिक्रमा करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। जन्मांतर कृतानी पापानी नश्यन्ति, प्रदक्षिणा यात्रा करता है, बड़ा पुण्य है। गंधमादन यात्रायां यत फलम लभते नर, उससे करोड़ गुना ज्यादा, उससे करोड़ गुना ज्यादा केवल गोवर्धन के दर्शन से मिलता है, इतना पुण्य है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ब्रज की महिमा को सुनो, ब्रज की बड़ी पावन महिमा है। आपको ज्ञान नहीं है, एक बार यहां वो आए, वो रसखान,